बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये तारीख का वो मंजर है जब जुलाई 1187 ईस्वी को हुतीन के मैदान में 7 सलीबी हुक्मरानों की मुतहद्दा फौज को, जो मक्का और मदीना पर कब्जा करने आई थी, अयूबी सिपाह ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानब बुरी नज़र से देखने का इंतकाम ले लिया था और अब वो हुतीन से 25 मील दूर उकरा पर हमला आवर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि अकरा सलेबियों का मक्का था। सुल्तान उसे तह तेग करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरे बैतुल मुकद्दस से पहले सुल्तान अकरा पर इसलिए भी कब्जा चाहता था कि सलेबियों के हौसले पस्त हो जाएं और वो जल्द हथियार डाल दें। चुनाचे उसने मजबूत दिफा के बावजूद अकरा पर हमला कर दिया और जुलाई 8 1187 को अकरा अयूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मारका में सलेबी इंटेलिजेंस का सरबरा हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमांडर ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमांडर को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार कराने की पेशकश की थी, मगर कमांडर ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया तो इसने गिरफ्तार करने वाले कमांडर को खिराज तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जम, अगर आपके तमाम कमांडर इसी किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहां से नहीं निकाल सकती। इसने कहा, मेरी नज़र इंसानी फितरत की कमजोरियों पर रहती है। मैंने आपके खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जब ये कमजोरियां किसी जर्नैल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं तो शिकस्त उसके माथे पर लिख दी जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार पैदा किए उनमें सबसे पहले यही कमजोरियां पैदा की। हुकूमत करने का नशा इंसानों को ले डूबता है। सुल्तान मुअज्जम, आपका जासूसी का निज़ाम नहायत ही कारगर है। आप सही वक्त और सही मुकाम पर ज़रब लगाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बोया है वो ज़ाया नहीं होगा। आप चूँकि ईमान वाले हैं इसलिए आपने बेदीन अनासर को दबा लिया, लेकिन हमने आपके उमरा के दिलों में हकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जानशीन इस नशे को तेज़ करते रहेंगे। सुल्तान मुअज्जम, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं है, यह कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे, हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे, हमारी लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहजीब की कशिश, जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, वो वक्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जर्मन निजाद हरमन की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हरमन कह रहा था, सुल्तान मुअज्जम, आपको मालूम है कि हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया? सिर्फ इसीलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज को ख़त्म कर रहे हैं। आप आज बैतुल मुकद्दस को हमारे कब्जा से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब आप दुनिया से उठ जाएंगे मस्जिद अक्सा फिर हमारी इबादतगाह बन जाएगी। मैं जो पेशगोई कर रहा हूँ ये अपनी और आपकी कौम की फितरत को बड़े गौर से देख कर कर रहा हूँ। हम आपकी कौम को रियासतों और मुल्कों में तकसीम करके इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे और फलस्तीन का नामो निशान नहीं रहेगा। यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कों और लड़कियों में लज्जत परस्ती का बीज बोना शुरू कर दिया है। इनमें से अब कोई नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं होगा। इस पूरी पेशगोई में हमारे लिए सबक क्या है, सोचने और समझने का मुकाम क्या है, ये सारी बातें आज सच साबित नहीं हो रही? अब भी वक्त है कि हम अपना एहतसाब करते हुए राह रास्त पर आ जाएं और अपनी आखरत संवार लें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी आखरत संवारने का मौका दे और तौफीक अता फरमाए कि हम नेक अमाल करें। आमीन या रब्बिल आलमीन।